गुरुदेव, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपके सानिध्य में आने के बाद, जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जीने का ढंग बदला है, और मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ बदल गया। साथ ही मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि शायद हो सकता है पहले बेहोशी ज़्यादा हो, अब क्या है पता नहीं, चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। आप ये टाइम ड्यूरेशन में, मैं एक साल से, लेकिन मैं उनको निपटा भी लेता हूँ, लेकिन कभी कभी हिल जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़ी गुत्थी सी है, और अट्रैक्शन ऐसा है कि मैं कभी चला भी जाता हूँ, लेकिन मैं मौके पे आ जाता हूँ। आपकी बात में समझ गया, मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। देखिए, आपकी परिस्थितियाँ और आपका जो उलझाव है वो बढ़ रहा है ऐसा लगता है, लेकिन आपका जो यहाँ का सारा जुड़ाव है वो भी बढ़ रहा है। दोनों चीज़ें समानांतर चल रही हैं। अनंत में एक शुरुआत से ही मैंने सभी मित्रों को बोला है कि इस बॉडी माइंड के साथ, इस शरीर मन के साथ एक वरदान है या अभिशाप है मैं नहीं जानता, लेकिन एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल चीज़ ज़रूर चलती है। इसको मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जो लोग जुड़ते हैं उनकी ज़िंदगी का व्हील बहुत तेज़ी से घूमता है, क्योंकि हमारी लाइफ पैटर्न में बहुत कुछ स्टोर्ड है। कुछ चीज़ें हो सकता है निपटते 10-20 साल में निपटें, और कभी कभी अगर अच्छी ज़िंदगी आगे आने वाली तो जल्दी निपटें, ख़त्म हो चीज़ें, तो व्हील तेज़ी से घूमता है। तमाम ख़राब चीज़ें भी सामने आने लगेंगी, अच्छी चीज़ें भी आएंगी वो व्हील, लेकिन आपको क्षमता मिली रहेगी उनको निपटाने। तो बस मेरा सजेशन ये है कि ठहरे रहें, सामना करते रहें, और विचलित ना हो, जो है उसको आने दें। ये एक फेज का गुजर जाना है, और मैं समझता हूँ वो लोग फॉर्चुनेट हैं जो किसी बैड फेज से जल्दी गुजर जाते हैं। और अगेन, ये भी पूरा साइंटिफिक है, ये कोई फिलोसॉफिकल मसला नहीं है। जैसे किसी के माइंड में दुख में जाने की टेंडेंसी पड़ी हुई है, तो वो उस दुख की टेंडेंसी की उसकी अपनी मात्रा भी हो सकती है कितना, और पूरी ज़िंदगी पर फैल सकती है, पूरी ज़िंदगी पर। यानी कि पूरी ज़िंदगी वो जितनी भी एवरेज लाइफ जिएगा, पूरी ज़िंदगी छोटा छोटा दुखी होता रहेगा। तो एक साथ उसको बहुत आनंदित होने का अवसर भी नहीं मिलेगा, दुख प्रसन्नता ऐसे चलता रहेगा। और एक है कि अचानक व्हील घूमे और दुख का जो स्टोर्ड स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो, निकले, तो अगली लाइफ हो सकता है ज़्यादा ब्राइट, आने वाला वक्त ज़्यादा आनंदपूर्ण हो, तमाम चीज़ें निकलती हैं। इसी तरह से हमारी बीमारियाँ भी बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ देर तक फैली रहती हैं। कभी कभी अचानक व्यक्ति ज़्यादा बीमार होता है, फिर या तो निकल ही लेता है या फिर आगे के लिए ठीक हो जाता है। मतलब निकल भी गए तो क्या चिंता है उस बात की, कोई चिंता थोड़ी ही है उस बात की कि भाई देर में जाना, जल्दी गए, काम ख़त्म हुआ, झंझट ख़त्म हुई, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन परिस्थितियाँ जो हैं वो तेज़ी से घूमेंगी और सॉल्व भी होंगी। ये उस व्हील का थोड़ा तेज़ घूम जाना, ये फॉर्चुनेट ही मैं इसको कहता हूँ। कुछ लोग डर के जल्दी भाग खड़े होते हैं अपने ओल्ड, जैसे अभी हैबिट की बात पूछी ना, तो उसको ध्यान रखें। कुछ लोग इन सबसे परेशान होकर अपने पुराने पैटर्न में चले जाते हैं, अपने ओल्ड हैबिचुअल पैटर्न में, उसमें नहीं जाना। आप अपने पूरे सजगता के, सचेतन, मेडिटेटिव, ध्यानपूर्ण, उसी से सॉल्व करें, सॉल्व उसी से होंगी चीज़ें। अब आपको अगर लगे कि नहीं, पहले का पैटर्न ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा एग्रेसिव, ज़्यादा तिकड़मी और ज़्यादा, तो वो तो करके देख ही लिया था, अभी नया वाला भी करके देख लीजिए। और नए वाले में कम से कम इतना तो आपको पता है कि सब सॉल्व हो रहा है, हो रहा है, तो और क्या चाहिए, हो रहा है ना। बस ऐसा ना हो ये डिज़ायर ना करें, ऐसा हुआ और वो सॉल्व हो रहा है, बस वो अच्छी बात है, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, अनुग्रहित रहें, होता रहेगा।